हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्कीर और इस वीडियो के अंदर एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं मैं जिसका टाइटल है टॉप 5 पावरफुल पश्तून किंग्स इन हिस्ट्री। इतिहास उठाकर देखेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर कि कौन से टॉप 5 पश्तून किंग्स रहे हैं हिस्ट्री में। सो चलो देखते हैं, इंटरेस्टिंग वीडियो है। उनके नाम या फिर उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें या कुछ बातें हमें जानने को मिलेंगी इसके अंदर। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो वो कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। दोस्तों, हमने अक्सर पठानों को लतीफ़ों की हद तक जाना है, लेकिन यकीन कीजिए कि ये बड़ी जफाकुश, बहादुर और गयूर कौम है। आज की इस वीडियो में हम पठान कौम के 5 ताकतवर तरीन हुक्मरानों का आपसे जिक्र करेंगे। नंबर 5, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी बर्रे सगीर में लोदी सल्तनत के पहले हुक्मरान थे, जिन्होंने इस सल्तनत की बुनियाद रखी थी। बहलोल लोदी की पैदाइश 1400 ईस्वी में हुई। लोदी दरअसल अफ़गानिस्तान के गज़लई कबीले की एक शाख का नाम है। सुल्तान महमूद गजनवी के हिंदुस्तान पर हमलों से कबल इस कबीले का एक ख़ानदान मुल्तान आकर आबाद हो चुका था। बहलोल लोदी ने जब जवानी में कदम रखा तो इस वक्त दहली पर तगलू ख़ानदान के आखिरी हुक्मरान फ़ैरोज़ शाह तगलू की हुकूमत थी, जिनकी मौत के बाद अमीर तैमूर ने दहली पर हमला कर दिया था और जाते वक्त उन्होंने खीज़र ख़ान हाकिम मुल्तान को हिंदुस्तान में अपना नायब बना दिया था। 1412 ईस्वी में खिज़र ख़ान ने दहली पर चढ़ाई करके वहाँ अपनी सल्तनत का आगाज़ किया, जो कि सैयद ख़ानदान की हुकूमत कहलाती थी। लेकिन खिज़र ख़ान की मौत के बाद सुल्तान बहलोल लोदी ने आखिरी सांसें लेती हुई दहली सल्तनत पर हमला करके इसे ख़त्म कर दिया और 855 हिजरी बामुताबिक 1526 ईस्वी में बहलोल लोदी दहली सल्तनत के पहले हुक्मरान बने और 1451 से 1556 ईस्वी तक लोदी सल्तनत के हुक्मरान रहे। हुक्मरान बनने के बाद इनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा जौनपुर के मुसलमान हुक्मरान महमूद शर्की से जंगों में गुजरा। महमूद शर्की ने कभी भी सुल्तान बहलोल लोदी को सुख का सांस न लेने दिया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल 1479 ईस्वी में उन्होंने एक ग्वालियर के हिंदू राजा के ख़िलाफ़ एक कामयाब जंग लड़ी, जिसके बाद सुल्तान बहलोल लोदी वफ़ात पा गए। नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत के दूसरे पठान हुक्मरान थे। अलाउद्दीन खिलजी का शुमार बेहतरीन इंतज़ामी सलाहियत रखने वाले हुक्मरानों में होता है। पठान थे। आपने ना सिर्फ ये कि मुमलकत की सरहदें वसी कर दी, बल्कि हिंदुस्तान को मंगोलों के हमलों से भी बचाया। अलाउद्दीन खिलजी 679 हिजरी बामुताबिक 1290 ईस्वी को खिलजी सल्तनत के दूसरे हुक्मरान बने। खिलजी पठान हुकूमत हासिल करने के बाद सबसे पहले इनका मुकाबला एक हिंदू राजा रामदेव से हुआ। यहाँ खूनरेज मार्का हुआ, जिसके बाद फतह अलाउद्दीन खिलजी को नसीब हुई और हिंदू राजा ने भारी तावान अदा किया। फिर मंगोलों का एक बड़ा लश्कर 698 हिजरी बामुताबिक 1298 ईस्वी को बरेसगीर पर हमलावर हुआ। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी के भाई अल्लाह ख़ान और ज़फ़र ख़ान ने मंगोलों के इस लश्कर को शिकस्त दी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चंद और सरकश हिंदू राजाओं को मुती किया, लेकिन इसी साल के आखिर में मंगोलों ने बरे सगीर पर दूसरा हमला कर दिया और उन्होंने दिल्ली शहर का मुहासरा शुरू कर दिया। सुल्तान इस वक्त गुजरात में जंग में मसरूफ़ थे। अलाउद्दीन खिलजी बर्क रफ्तारी के साथ दिल्ली पहुँचे और दिल्ली शहर से थोड़ी दूर कीली के मुकाम पर जंग हुई, जिसमें मंगोलों को इबरतनाक शिकस्त हुई और इनका खान जंग के बाद मारा गया। लेकिन इसके बाद भी मंगोलों ने हमले जारी रखे, लेकिन इन हमलों में मंगोलों ही को शिकस्त हुई। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दौरे हुकूमत में निज़ाम अदल अपने अरूज पे था और अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें कंट्रोल में थी। कहा जाता है कि जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने देवगढ़ को फ़तह किया तो वो वापस दिल्ली जाने लगे और 1296 ईस्वी में दरियाए जमुना पहुँचे। तो अभी सुल्तान ने गुफ्तगू जारी ही की थी कि चंद सरकशों ने इन पर हमला करके इन्हें शहीद कर दिया। नंबर 3, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जिनका असल नाम फरीद खान था, लेकिन दुनिया इन्हें शेर शाह सूरी के नाम से ही जानती है। शेर शाह सूरी 1472 ईस्वी में पैदा हुए। आपका ताल्लुक अफगान कबीले सूर से है। ये कबीला रवा के इलाके में आबाद था। सुल्तान बहलोल लोदी की हुकूमत के दौरान ही शेर शाह सूरी के दादा ने रवा से हिजरत की और बर्रे सगीर चले आए। शेर शाह सूरी ने जब जवानी में कदम रखा तो उन्होंने अपने वालिद की जागीरों का इंतज़ाम संभाला। रजब 932 हिजरी बामुताबिक अप्रैल 1526 ईस्वी में जब पानीपत की जंग शुरू हुई तो फरीद खान बहादुर के हाकम बहादुर खान के मुलाजम हो गए। बहादुर खान ने अपने लिए सुल्तान मोहम्मद का लक़ब पसंद किया। एक दिन सुल्तान मोहम्मद शिकार के लिए जंगल की तरफ निकल पड़े तो फरीद खान भी इनके साथ थे कि अचानक एक तरफ से कुव्वुल जुस्सा शेर निकलकर सुल्तान पर हमला आवर हुआ। सुल्तान मोहम्मद इस हमले से घबरा गए, लेकिन फरीद खान बिल्कुल भी ना घबराए और उन्होंने आगे बढ़कर एक ही वार से उस शेर का काम तमाम कर दिया। सुल्तान मोहम्मद फरीद खान की इस बहादुरी से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने फरीद खान को शेर खान का खिताब दिया और देखते ही देखते सुल्तान मोहम्मद ने इनको बहुत से इलाके दे दिए। अरे क्या बात! जब सुल्तान मोहम्मद की वफ़ात हुई तो इनकी सारी हुकूमत शेर शाह सूरी के हाथ में आ गई। अच्छा। उधर मुगलिया सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर 1530 ईस्वी में वफ़ात पा गए। इनकी जगह इनके बेटे हमायूं ने तख्त संभाला। इस वक्त तक शेर शाह सूरी की हुकूमत काफ़ी वसी हो चुकी थी। उन्होंने हमायूं के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और फतह के बाद उन्होंने बर्रे सग़ीर पर अपनी हुक्मरानी कायम की। शेर शाह सूरी अपने तामीरी कामों की वजह से बर्रे सग़ीर के नेपोलियन कहलाते थे। शेर शाह सूरी ने सनार गांव से दरियाए सिंध तक 1500 कोस लंबी जरनैली सड़क तामीर करवाई जो आज तक GT रोड के नाम से मौजूद है। पत्थरों वाली, हाँ? शेर शाह सूरी ने आखिरी जंग कलंजर के राजा कीरत सिंह के खिलाफ लड़ी और इस जंग में जब एक बारूद का गोला किले की दीवार से टकरा कर वापस इस जगह पर गिरा जहां बारूद का ज़ख़ीरा था तो इस धमाके की वजह से शेर शाह सूरी ज़ख्मी हो गए। और अगले दिन असर की नमाज के वक़्त जब फतह की खुशखबरी इनको सुनाई गई तो शेर शाह सूरी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और इनकी ज़ुबान पर कलमे शहादत जारी हुआ और यूँ 952 हिजरी बामुताबिक 1548 ईस्वी में इस अजीम हुक्मरान ने दुनिया को खैराबाद कह दिया। नंबर 2, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह दुर्रानी, जिन्हें अहमद शाह अब्दाली भी कहा जाता है, आप अफ़गानिस्तान में दुर्रानी सल्तनत के बानी और जदीद अफ़गानिस्तान के बानी के तौर पर भी जाने जाते हैं। अहमद शाह अब्दाली 1722 ईस्वी में हिरात के कबीले अब्दाली के सरदार के यहाँ पैदा हुए। जब अहमद शाह अब्दाली ने जवानी में कदम रखा तो उस वक़्त ईरान में नादर शाह अफ़शानी की हुकूमत कायम थी। नादर शाह ने अब्दालियों को अपनी फ़ौज में भर्ती करना शुरू किया तो अहमद शाह अब्दाली भी इनकी फ़ौज में शामिल हो गए और यूं देखते ही देखते अपनी वफ़ादारी और बहादुरी की वजह से वो नादर शाह की आंख का तारा बन गए। 1730 ईस्वी में मुग़लों के हाथों से जब बंगाल निकला तो इस दौरान मराठा ने ताकत पकड़ना शुरू की। 1739 ईस्वी में नादर शाह ने बर्रे सग़ीर पर मुग़ल सल्तनत पर हमला किया जिसमें मुग़ल बादशाह को शिकस्त हुई और नादर शाह ने दिल्ली की गलियों को खून से रंग दिया। इस जंग में नादर शाह के साथ अहमद शाह अब्दाली भी एक कमांडर की हैसियत से शामिल थे। इस कामयाब हमले के बाद नादर शाह वापस ईरान चले गए और 1748 ईस्वी में नादर शाह कत्ल हो गए, जिसके बाद अहमद शाह अब्दाली जो कि नादर शाह की फ़ौज के कमांडर थे, उन्होंने अपनी फ़ौज को साथ लिया और मौजूदा अफ़गानिस्तान में दुर्रानी सल्तनत की बुनियाद रखी। फिर अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब में मौजूद सिखों पर हमला करके इनसे सिंध का इलाका छीन लिया। इस दौरान हिंदुस्तान में मुग़लिया सल्तनत सिमटकर सिर्फ दिल्ली तक महदूद हो चुकी थी और मराठे आए दिन मुसलमानों पर ज़ालिमाना हमले किए जा रहे थे। सो यहाँ मुग़ल शहनशाह आलमगीर ने अहमद शाह अब्दाली को मदद के लिए ख़त लिखा। फिर क्या था, अफ़गान पठान अपनी लातादाद फ़ौजों के साथ मरहटों की ताकत को कुचलने के लिए हिंदुस्तान निकल पड़े और अहमद शाह अब्दाली अपनी फ़ौजों के साथ 1761 ईस्वी में पानीपत के मुकाम पर मरहटों से जंग करने के लिए निकल पड़े। इस जंग में अफ़गान पठानों ने बड़ी बहादुरी से मरहटों पर पे दर पे हमले किए और हज़ारों की तादाद में मरहटे या तो मारे गए या कैद कर लिए गए और अहमद शाह अब्दाली को इस जंग में शानदार कामयाबी हासिल हुई, जिसके बाद मरहटों ने मुग़लों की सल्तनत इन्हें वापस कर दी। इस फतह के बाद 16 अक्टूबर 1772 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का इंतकाल हो गया और यूं अफ़गान पठान एक अजीम लीडर से महरूम हो गए। नंबर 1, मुल्ला मोहम्मद उमर। और आखिर में ताकतवर तरीन पठान हुक्मरान मुल्ला मोहम्मद उमर हैं। ये वो मुल्ला मोहम्मद उमर हैं जिन्होंने अजीम USSR यानी कि सोवियत यूनियन और अमेरिका बहादुर समेत दुनिया की 48 फौजों को जिल्लत आमेज शिकस्त से दोचार किया था। मुल्ला मोहम्मद उमर 1960 में अफगानिस्तान के सूबा कंदहार के गांव में पैदा हुए थे। जब उन्होंने जवानी में कदम रखा तो उन्होंने अपनी सरजमीन पर रूस की फ़ौजों को पाया। उन्होंने रूसी जारहियत के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान किया और मज़ीद अफ़गान मुजाहिदीन के साथ उन्होंने आज़ादी की जंग जारी रखी, यहाँ तक कि 1989 में रूसी फ़ौजें शिकस्त खाकर वापस चली गईं। रूस के जाने के बाद मुल्ला मोहम्मद उमर ने अफ़गानिस्तान में फैली बदअमनी पर काबू पाया और तमाम शरपसंद अनासर को ख़त्म कर दिया। 1994 में मुल्ला मोहम्मद उमर ने तालिबान की एक जमात बनाई जिसका काम इस्लामी अमारात का क़याम और शरीयत का नफाज था। मुल्ला मोहम्मद उमर की हुकूमत आने की देर थी कि वो अफ़गानिस्तान जो कि दुनिया की 90% मुंशियात पैदा करता था वो अब ज़ीरो पर आ गया था। अमन व अमान का एक नया दौर शुरू हुआ, लेकिन दुश्मनों को इस्लामी हुकूमत कहाँ पसंद थी कि 2001 में अमेरिका ने ख़ुद 9/11 का हमला करवा कर अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद अफ़गानिस्तान में मुल्ला मोहम्मद उमर की हुकूमत ख़त्म हो गई, लेकिन अफ़गान तालिबान दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ते रहे। इस दौरान मुल्ला मोहम्मद उमर रुपोश हो गए और इसी रुपोशी की हालत में इनका इंतकाल हो गया। लेकिन इनकी बनाई हुई तहरीक ने 20 साल की तवील जंग के बाद दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज को ज़लील व रुस्वा करके 30 अगस्त 2021 को अफ़गान सरजमीन से इन्हें निकाल दिया। सो दोस्तों, ये थे 5 ताकतवर तरीन पठान हुक्मरान। आप यहाँ नीचे कमेंट करके बताइए कि आपकी पसंदीदा शख्सियत इनमें से कौन है। इसमें मुझे देखकर लग रहा है कि हर एक जंग में ज़्यादातर पश्तून लोग थे, शामिल थे, चाहे वो अफ़गान से आए हों या फिर वो कहीं और से आकर इंडिया में रहे हों या और कहीं जंगें लड़ी हों अमेरिका वगैरह से। एंड जो किस्से इसके अंदर देखे, बहुत ही तगड़ी इन्फॉर्मेशन थी इसके अंदर कि बहुत ज़्यादातर लोग इसके अंदर जो थे वो एक कमांडर का या फिर एक सहयोगी, आप कहते हैं ना, वो एक उनके साथ रहना, बड़े बड़े किंग राजा महाराजाओं के साथ रहे। उसके बाद उनके जाने के बाद उनके ख़ास बने रहे ज़िंदगी में, लेकिन मौत के बाद, राजाओं की मौत के बाद जो थे वो उनकी जगह पर आ गए और उनके जो सल्तनत थी उसको संभाला। वैसे कुछ हिस्ट्री थी, एक से एक बढ़ के थे। मुझे अलाउद्दीन खिलजी पठान थे, मुझे नहीं पता था। अब्दाली का भी कुछ और नाम था शायद, सो अलग अलग नाम भी थे इनके, डिफरेंट नाम से जो थे वो फेमस थे। तो तगड़ी हिस्ट्री थी इसके अंदर, और अगर ये पूरी तरीके से सही है, इसमें कोई कमी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको करेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल ये बहुत ही तगड़ी हिस्ट्री थी जो जानने को मिली। टॉप 5 थे ये, और भी बहुत सारे होंगे, उनका भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कितनी कितनी तगड़ी तगड़ी जंगें लड़ी हैं, इस हिस्ट्री को जानने से पता चलता है कि कैसी कैसी जंगें लड़ी हैं पुराने टाइम में लोगों ने। सो कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा ये वीडियो। फ़िलहाल इस वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।